हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वीडियो को वॉच करें ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आज का हम जो टॉपिक जिस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है नेशनलिज्म एंड एम्पायरलिज्म। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म का मतलब क्या होता है? देखो जरा, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, इन दोनों वर्ड के मतलब थोड़ा सा एक छोटी सी लाइन का डिफरेंस है। देखो जरा, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे छोटे छोटे से स्टेट्स या छोटे छोटे से किंगडम्स साथ में आके टुगेदर खुद एक आके एक नया नेशन बनाते हैं, जिसको बोला गया हम लोगों ने नेशनलिज्म। और इंपेरियलिज्म का मतलब क्या होता है, जब कोई एक बड़ा नेशन किसी अदर नेशन पे, किसी अदर कंट्रीज पे या किसी अदर कंट्रीज के पार्ट पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसे बोला जा सकता है इंपेरियलिज्म। मतलब एक रिच कंट्री या एक पावरफुल कंट्री किसी उससे कम पावरफुल या उससे कम रिच कंट्री के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस या अपना कंट्रोल कर लेता, उसे बोला जा सकता है इंपेरियलिज्म। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज़ हो गई, इसको आप और सिंपल समझने की कोशिश करो तो कब्जा। कब्जा का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि भैया किसी एक देश ने दूसरे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती उसके ऊपर अपना हक दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती उस पूरे रीजन को कंट्रोल कर रखा है। अल्टीमेटली करा क्या उसने, कब्जा कर लिया। ये कौन कर सकता है, एक पावरफुल कंट्री, पावरफुल पर्सन ही तो कर सकता है, कोई छोटा मोटा आदमी तो कर नहीं सकता है। दैट मीन्स कि अगर पावरफुल पर्सन होगा वो कर सकता है, या फिर रिच पर्सन होगा। आप लोगों ने स्पेशली मूवीज़ में भी देखा होगा, जितनी भी मूवीज़ होती है मूवीज़ के अंदर क्या दिखाते हैं, एक बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी जिसके पास बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पावर से बहुत पैसा है, रिच भी है, वो किसी दूसरे की ज़मीन पे कब्जा कर लेता है। तो यही जो चीज़ है इसी को बोला जाता है इंपेरियलिज्म। एक बार और इसी चीज़ को मैं नए एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, जिससे वो एग्जांपल आप लोगों को मैं बताता हूँ। सोचो जरा थोड़ी देर के लिए, एक ऐसा मौका मिला कि मैं आप लोगों को इंडिया से बाहर ले जाता हूँ, फ्रांस के अंदर, और फ्रांस में स्पेशली पेरिस में, क्योंकि हम बार बार फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। और आप लोगों सर आप लोग लेके गए ना, ठीक है मैं आप सभी लोगों को पेरिस ले जाता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को पूछा और आप लोगों ने बोला ठीक है सर हम चलने के लिए रेडी हैं, वी आर रेडी टू गो टू दी पेरिस, हम पेरिस जाने के लिए रेडी हैं, आप हमें ले चलीजिए। तो आप सबको लेके गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं आप सभी को लेके जा रहा हूँ, हम एक साथ में ग्रुप बना के जा रहे हैं। दैट मीन्स कि नेशनलिज्म जैसा कॉन्सेप्ट हो रहा है, आप लोग भी चाह रहे थे और तभी आप मेरे साथ आए। बट मैं सभी को जबरदस्ती लेके जाऊँ कि नहीं, पूरी क्लास वालों को चलना पड़ेगा, सभी बच्चों को चलना पड़ेगा, दैट मीन्स कि जबरदस्ती की जा रही है। और जबरदस्ती का मतलब हो जाता है इंपेरियलिज्म, मतलब लोगों को जबरदस्ती उनकी एरिया पे, उनकी प्रॉपर्टीज पे, जमीन पे ये सारी चीजें की जा रही है। ठीक है, तो आपको नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म के अंदर थोड़ा सा जो डिफरेंस है समझ में आ जाता आ गया होगा, एक बहुत पतली सी लाइन है। और नेशनलिज्म में लोग खुद इंटरेस्टेड होते हैं, वो खुद चाहते हैं ये सारी चीज़ करने के लिए। इंपेरियलिज्म में उनके ऊपर जबरदस्ती किया जाता है, किसके द्वारा, अदर कंट्री के द्वारा, अदर पावरफुल कंट्रीज के द्वारा, अदर रिच कंट्री के द्वारा ये सारी चीज़ की जाती है। और ऐसी ही एक सिचुएशन हुई थी स्पेशली यूरोप के अंदर, और वो बोला जाता है 19th सेंचुरी, मतलब लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी। अब बोलोगे लास्ट क्वार्टर मतलब 1870s के आसपास, मैं बात करूँ 1870s या 1871 के अंदर, यूरोप के अंदर एक एरिया है जिसका नाम है बालकन। उस बालकन वाले रीजन के अंदर ये सारी सिचुएशन हुई। अब बोलोगे सर बालकन क्या है, देखो बालकन का मतलब क्या होता है, एक बालकन को नॉर्मली पेनिनसुला बोला जाता है, बालकन पेनिनसुला। एक जैसा हमारे इंडिया में है कि नहीं, इंडिया में डेक्कन हम प्लेटू बोलते हैं, पेनिनसुला जो रीजन है, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है कि जिसकी जो साइड्स हैं, जो बॉर्डर्स, एटलीस्ट वो वन साइड या टू या थ्री साइड जो उसकी सराउंडेड बाय वाटर, पानी से घिरी हुई हो, ठीक है, उसे पेनिनसुला हम बोल सकते हैं। तो एज इट इज अगर बालकन रीजन को मेरे पीछे आप मैप में देखोगे तो इसकी जो बॉर्डर्स है ना, ये पूरी तीनों साइड से क्या है, पानी से घिरी हुई है। दैट मीन्स कि ओशियन से कवर है, इसकी हर साइड अलग अलग ओशन से। और अगर आज की प्रेजेंट डेट की बात करो तो ये जो बालकन रीजन है, ये जो बालकन प्लेटू है, ये लगभग 10 से 13 कंट्रीज को मिला के बना हुआ है। आपकी बुक देखोगे तो आपकी बुक में अंदर 10 कंट्रीज के नेम दिए गए, बट रियलिटी में देखोगे तो इसमें 3 और कंट्रीज है। इन पूरे कंट्रीज को मिला के ये पूरा नेशंस के नाम बने हुए हैं। इन कंट्रीज़ के मैं आपको नाम बता देता हूँ कौन कौन सी कंट्रीज़ है। तो इन कंट्रीज़ के नाम आप देखो नोट डाउन करते जाना, मैं नाम बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो अल्बारिया है, सेकंड नंबर पे मैं आपको बात करूँ बल्गारिया, थर्ड अगर मैं बात करूँ बोस्निया हर्जगोविना, फोर्थ नंबर पे क्रोएशिया, फिफ्थ नंबर पे ग्रीस, सिक्स नंबर पे मैसिडोना, सेवन नंबर पे मॉन्टीनेग्रो, एट नंबर पे रोमानिया, नाइन नंबर पे स्लोवेनिया, टेन नंबर पे सर्बिया। ये 10 कंट्रीज़ को मिला के जो है बालकन रीजन बनता है।
ठीक है, मैंने आपको बोला था इस पूरे रीजन के जो ग्रुप से कंट्रीज है जो इनको है ना एथनिक ग्रुप था, इन सभी को मिला के स्लेविक बोला जाता था, स्लेव बोला जाता था, स्लेविक नेशन बोला जाता था, क्योंकि ये जो सारे जो इनका एथनिक ग्रुप है जो मेन जो रहने वाले थे वो एथनिक ग्रुप जो था स्लेविक था, इसलिए इनको स्लेविक रीजन भी है, स्लेविक लोग्स भी इनको बोला जाता है, इनकी लैंग्वेज को भी स्लेविक लैंग्वेज भी बोला जाता है। दैट मीन्स कि ये इस तरीके से एक एथनिक ग्रुप था। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये एथनिक ग्रुप क्या होता है। एथनिक ग्रुप मतलब ऐसे लोग, ऐसी जाति के लोग जो वहीं पर रहने वाले हो शुरू से या उसी एरिया में रहने वाले थे, तो उनको ये सारे लोगों को उस तरीके से बोला जाता है। अब आप बोलोगे सर आप मैंने तो ये टेनी कंट्री के नाम बताए, तीन और नाम भी मैंने, हाँ थ्री नाम जो है जो अगर प्रेजेंट डेट में देखोगे तो आपको कोसोवा मिलेगा जो भी इसी के अंदर आता है, और अगर मैं बात करूँ इटली का भी थोड़ा सा रीजन, कितना रीजन 0.1%, बहुत छोटा सा रीजन, मतलब 200 किलोमीटर स्क्वायर का जो रीजन है 0.1%, इतना छोटा सा एरिया, मतलब अगर 100 रुपये की बात करूँ तो 100 में से 1 पैसा जो है इटली का भी रीजन है जो इस बालकन रीजन में आता है, और कुछ हिस्सा जो है टर्की का भी लगभग 3% हिस्सा जो है टर्की का वो भी इस बालकन रीजन के अंदर आज की तारीख में प्रेजेंट डेट में इंक्लूड किया जाता है। तो ये सारी कंट्रीज थी। अब हुआ क्या यहाँ पे, कैसे यहाँ पे टेंशन, कैसा इतना बड़ा टेंशन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, तो इसको समझो जरा एक अलग एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। आप लोगों ने क्लास में ऑब्जर्व किया होगा, जब आप 6th, 7th और 8th में पढ़ते होंगे, किसी एक बच्चे ने अगर गलती से बोल दिया सर, हाँ सर मुझसे क्या हुआ बेटा, सर मैं गो टू वॉशरूम, एक बच्चे ने जैसे पूछा और टीचर ने अगर उसे अलाउ कर दिया तो होता था क्या क्लास में, एक बच्चे को अलाउ करा, दूसरा बच्चा फिर बोलता है, तीसरा बोलता है, और धीरे धीरे करके सारे क्लास के बच्चे को कहाँ जाना पड़ता है, वॉशरूम के लिए निकल जाते हैं वो, ठीक है। और अगर किसी को मना कर दो तो वो क्या बताते थे, वो हिस्ट्री की किताब, सर पास्ट में आपने कुछ दिन पहले राहुल को तो पहुँचाया था, आपने कुछ दिन पहले राज को पहुँचाया था, कुछ दिन पहले आपने पिंकी को पहुँचाया था, आप तो मुझे नहीं पहुँचा रहे हो, आप तो ऐसा कर रहे हो, आप वैसा कर रहे हो। दैट मीन्स कि वो पुरानी बातें गिनाने लग जाते, हिस्ट्री की बात बताने लग जाते। एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसा ही था। बालकन के अंदर क्या था, बालकन रीजन पे जो था ना पहले पूरे रीजन पे ओटोमन एम्पायर, किसका रूल होता था, ओटोमन एम्पायर का रूल होता था, और ओटोमन एम्पायर जो है इस पूरे रीजन पे बालकन की बात करे या इस यूरोपियन रीजन की बात करे तो ये लगभग 15th सेंचुरी के हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी 1453 से इस पूरे रीजन पे वो क्या करते थे, रूल करते थे। और उस रीजन से पहले यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी, उसका नाम था बेंजेंटाइन डायनेस्टी। इस पूरे रीजन की अगर हम बात करें, बेंजेंटाइन डायनेस्टी जो है इस रीजन पे रूल करती थी। अब ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे रूल कर रहा है, ऑटोमन एम्पायर कौन है, बेसिकली मुस्लिम रूलर है, और मुस्लिम रूलर होने के कारण क्या होता है, और ये जो यहाँ पे स्लेविक, मैंने आपको बताया ना इनकी जो एथनिक ग्रुप था ये कौन थे, इनका एथनिक ग्रुप एक स्लेविक नेशन था, इनका कल्चर, इनका ट्रेडिशन, इनकी लैंग्वेज, सारी चीजें जो थी स्लेविक लैंग्वेज थी, जिसके कारण ये लोग थोड़े से इनसे कनेक्टेड नहीं थे। इसी के कारण क्या हुआ, 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वार्टर में स्पेशली ग्रीस के अंदर एक यूनिफिकेशन का माहौल होता है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और जिसके कारण एक ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, अगर आप लोगों को याद हो जो मैंने आपको बताया था कि वो इस्तांबुल का ही नाम है, उसमें क्या होता है कि जो ट्रिटी के कारण क्या होता है, एक ग्रीक को नया नेशन बना दिया जाता है। अब सोचो जरा इस पूरे बालकन रीजन में, जब मैंने आपको 10 और ये 13 कंट्रीज के नाम गिनाए थे, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों को लगता होगा सर शायद हो सकता है सर के आगे सामने कहीं पे स्क्रीन होगी और उस स्क्रीन से पढ़ के ये सारी चीज़ बताई जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये नाम बहुत ही ईजी है आपके लिए, शायद मैं इसे प्रूफ करने के लिए नॉर्मली आँखें बंद करके बताता हूँ ताकि आप लोग खुद भी इसे अब देख सकते हो, ठीक है। तो मैं सारे नाम बता रहा हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले जिस कंट्री का नाम है उसका नाम है अल्बानिया, सेकंड नंबर पे जो नाम आता है बल्गारिया, थर्ड नंबर पे आता हमारे पास बोस्निया हर्जोविना, फोर्थ नंबर पे आता है क्रोएशिया, फिफ्थ नंबर पे है ग्रीस, सिक्स नंबर पे मैसिडोना, सेवन नंबर पे मॉन्टेनेग्रो, एट नंबर पे आएगा रोमानिया, नाइन नंबर पे आएगा स्लोवेंस, टेन नंबर पे आएगा सर्बिया, इलेवन नंबर पे कोसोवा, ट्वेल्व नंबर पे इटली, एंड थर्टीन नंबर पे आ जाएगा आपका इटली के बाद कौन सा, टर्की। तो ये जो सारे नेशन के नेम है मैंने आप लोगों के सामने प्रूफ कराया कि ये कोई चीजें ऐसा नहीं कि स्क्रीन के सामने से देख के बोली जाती है, ये नॉर्मली बहुत सिंपल सी चीजें, आप भी अगर एक दो बार पढ़ोगे तो आपको भी याद हो जाएगा, इतना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो ये जो पूरे रीजन है ना, इस पूरे रीजन के ऊपर जो था ऑटोमन एम्पायर का रूल चल रहा था। आप सोचो जरा ऑटोमन एम्पायर में जैसे ही ऑटोमन एम्पायर ने एक रीजन को छूट दी, एक नया नेशन बना ग्रीक, तो आसपास वाले नेशन वाले क्या छुप बैठेंगे क्या, नहीं वो भी चिचकनाएंगे, हम भी तो अलग थे सर, ये गया वॉशरूम तो हम भी जाएंगे वॉशरूम, सर हम भी तो अलग है, हम तो सुबह
सुबह से नहीं गए, हम तो इसके पहले वाले लेक्चर से नहीं गए, हमें भी जाना है, इस तरीके से सभी लोग एक्सक्यूज़ देते हैं। और यहीं इसी एक्सक्यूज़ के कारण एक बहुत ही टेंस, एक बहुत ही इंटेंसिव माहौल हो जाता है इस पूरे रीजन में, और एक एक्सप्लोजिव ऐसा लगेगा कि कभी भी फूट सकता है। क्यों? क्योंकि हर रीजन वाले आपस में एक दूसरे से जलस है, इतने ज़्यादा जलस है कि हर एक रीजन चाहता है कि मैं इसके रीजन पर कब्जा कर लूँ, दूसरा वाला चाहता है मैं इसके रीजन पर कब्जा कर लूँ, हर कोई सेपरेट होना चाहते हैं, हर कोई एज इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, हर कोई अपना वाला रीजन बताने की कोशिश करते हैं कि मेरा देखो कल्चर हमारे टाइम तो फ्री से हम अलग है, इंडिपेंडेंट है, हमारा पूरा नेशन अलग है, हमारे पे राजा अलग रूल करते हैं। तो यही जो इंटेंस जो एक एक्सप्लोजन जैसा सिचुएशन बन रही थी, इसी रीजन के कारण एक बहुत बड़ा टेंशन होता है, और वही टेंशन जो एट द एंड एज अ वॉर के रूप में फूटता जो पूरे यूरोप के अंदर होती है, पूरा वर्ल्ड इस वॉर के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वॉर का नाम था वर्ल्ड वॉर वन। आप बोलोगे सर वर्ल्ड वॉर वन तो 1914 में स्टार्ट हुई थी, देखो जरा 1914 में हुई थी, बराबर है वर्ल्ड वॉर जो है लगभग 40 से 45 साल बाद हुई थी, लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग थी ना, जो स्टार्टिंग न्यू कहाँ से थी, वो बल्कन रीजन से ही स्टार्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो अदर यूरोपियन पावर थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल रशिया, जर्मनी की बात करूँ क्योंकि जर्मनी समय एक बहुत पावरफुल कंट्री बन चुका था, और फ्रांस की बात करूँ और ग्रेट ब्रिटेन तो है ही से इंग्लैंड वाले, ये जो थे ना, ये हर कोई चाहता था इस रीजन पे बहुत इंटेंसिवली देख रहे थे, वो चाहते थे कि कैसे भी रीजन पे हमारे पास कंट्रोल आ जाए। क्यों आ जाए? इसका तीन बेनिफिट है। पहला एक रीजन ये था कि रीजन आप देखो जरा ओशियन से कवर है, इससे आने के कारण क्या होता है कि इनको एक बहुत बड़ा एरिया मिल जाता बिजनेस करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए भैया, क्योंकि आसपास का बहुत बड़ा एरिया था, उनको घूम के नहीं जाना पड़ता। एक रीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही था कि इन्हें ट्रेडिंग बिजनेस मिल जाता। सेकंड नंबर पे किसी को दूसरे की ज़मीन पर अगर कब्जा कर लेते तो ये ज़मीन भी तो मिल रही है फ्री फोकट में, तो एक ये चीज़ भी मिल जाती है। और थर्ड नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो इससे इनकी भी तो पावर बढ़ती, स्ट्रेंथ बनती, इसलिए ऑल दी अदर यूरोपियन कंट्रीज जो थी, जो पावरफुल कंट्रीज थी, रशिया हो गई, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, लैंड हो गया, ये सारे चाहते थे कि किसी भी तरीके से इस एरिया पे कंट्रोल करना। इवन जो इंटरनल जो इस एरिया में जो कंट्रीज रहे हैं, जो आज की तारीख में हमें दिख रही है, ये सभी लोग चाहते थे कि हम भी फ्रीडम हो जाए, हमें भी इंडिपेंडेंट मिल जाए, हम भी एक अलग नेशन फॉर्म कर ले। इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है, ऑटोमन एम्पायर इन पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, और धीरे धीरे करके ये अलग अलग रीजन जो है इस कंट्रीज के अंदर बनते जाते हैं। और इससे क्या होता है, बल्कन रीजन जो है, बाल्कन पूरा का पूरा रीजन एक ब्रेक हो जाता है, और एक नए नेशन के अंदर, एक नए कंट्रीज के अंदर यहाँ पे ब्रेक होकर नहीं कंट्रीज बनती जाती है। तो हम लोगों ने देखा कैसे एक इंटेंस माहौल के अंदर, बाल्कन रीजन के अंदर बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब होती है, हर कोई एरिया को कंट्रोल करना चाहता है, और यही इंपेरियलिज्म, यही दूसरे एरिया पे, यही पावरफुल जो कंट्रीज थी, ये दूसरे एरिया पे कंट्रोल करने की जो चॉइस थी, जो चाह रहे थे, यही बहुत बड़ी गलत चीज थी। अगर आप लोगों ने देखा होगा उस समय 18 सेंचुरीज की बात करें, 19 सेंचुरीज की बात करें, और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज की कॉलोनीज थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब इन यूरोपियन कंट्रीज जो है ऑल ओवर दी अदर कंट्रीज जो थी वर्ल्ड पे, उन पे उनका कंट्रोल था। जैसे अगर हम बात करें इंडिया पे, इंडिया पे भी तो पहले ब्रिटिश का कंट्रोल था, ब्रिटिश की हम कॉलोनीज थे, ब्रिटिश पूरा हम पे कंट्रोल किया जाता था, तो पूरा बांग्लादेश वाले रीजन से लेके, बंगाल से लेके नीचे तक के रीजन पे, तो ये हम पे कंट्रोल कर रहे थे, दैट मीन्स कि उनकी कॉलोनीज थी। और इसी इंपीरियलिज्म के कारण हर अदर कंट्रीज के अंदर एक नेशनलिज्म का एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो इमर्ज हुआ, और एक नेशन स्टेट बनाने कि हर एक कॉलोनीज के अंदर डिमांड उठी, जिसके कारण वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रीज जो है वो बनती है, क्योंकि इसके पहले इतनी कंट्रीज नहीं थी। लेकिन यही जो इंपेरियलिज्म का जो था ना एंटी इंपेरियल इंपैक्ट बना, हर लोग चाहते थे इन लोगों से फ्रीडम चाहते थे, इन लोगों से आज़ादी चाहते थे, इन लोगों से अलग होना चाहते थे, उसके लिए उन्हें क्या जरूरत था, उन सभी के लिए उन लोगों को एक मेन चीज जरूरत थी, वो थी यूनिटी, एक कॉमन आइडेंटिटी। फ्रीडम के लिए उनको एक कॉमन आइडेंटिटी की जरूरत थी, एक यूनिटी की जरूरत थी, और यही चीज़ होता है कि लोग यूनाइटेड होते जाते हैं और नए नए नेशंस बनते जाते हैं, जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी हुआ। हमारे इंडिया के अंदर अगर देखोगे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक थे, हम यूनाइटेड हुए और तभी हम ब्रिटिश को यहां से भगा सके, यहां से दूर कर सके, ठीक है। तो यही जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था, इसमें सबसे जो कॉमन चीज होती है वो यही थी कि यूनिटी, फिर लिबर्टी, फ्रीडम, इन सभी के लिए लोगों को एक कॉमन सेंस, एक साथ कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं, कॉमन स्ट्रगल शेयर करते हैं, और जिसके कारण एक नया नेशंस और एक नई कंट्रीज बनते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको ये जो नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म का जो टॉपिक है थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम रहे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।